सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी करनी ही है और मैं बन ही जाऊंगा, मैं यूपीएससी लायक नहीं हूं, सिविल सर्विसेज लायक नहीं हूं, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटीज हैं क्या कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। सबसे बेसिक 3-4 मूल मंत्र हैं, वो ये हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा या बच्चों को एस्पिरेंट्स को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। मैं अनुपम शर्मा हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर IFS 2018 बैच से मुझे मध्य प्रदेश का कैडर आवंटित हुआ था और वर्तमान में मैं रीवा जिले में वन मंडल अधिकारी के तौर पे पदस्थ हूँ। दो चीजें हैं, दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम तो ये कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी ही है, सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी करनी ही है और मैं बन ही जाऊंगा, एक ये एक इमोशनल एंगल, ये पूरा एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम कि नहीं, मैं यूपीएससी लायक नहीं हूँ, सिविल सर्विसेज लायक नहीं हूँ, मैं नहीं निकाल पाऊँगा, नहीं क्लियर कर पाऊँगा, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। तो इन दोनों के बीच में कभी नहीं फंसना चाहिए, इन दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं फंसना चाहिए, एक ऑप्टिमम बीच का एक रास्ता या बीच की सोच होनी चाहिए। वो सोच क्या है कि हम एक रियलिस्टिक असेसमेंट करें, दो तरह से असेसमेंट हो, एक तो ये कि क्या हम सही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं या नहीं, पहला तो ये, और दूसरा ये कि क्या हमारी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटीज हैं क्या कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। लार्जली जो सबसे बेसिक 3-4 मूल मंत्र हैं वो ये हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एक सबसे बड़े गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा या बच्चों को एस्पिरेंट्स को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो कम से कम बीते 10 सालों के मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थॉरो एनालिसिस होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज़ कि एक मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए, लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एस्पिरेंट 10 सोर्सेज में, एक ही टॉपिक के 10 सोर्सेज में इधर उधर भटके जा रहा है, एक या दो सोर्सेज हों और उनका बार बार रिविजन हो, और रिविजन मल्टीपल हो पाए इसके लिए हमारे शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फिर एक अच्छी प्रॉपर हम डिसिप्लिन्ड तरह से रेगुलरली कंटिन्यूसली समय दें तैयारी को। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 4-5 घंटे प्रतिदिन ही देते थे, सिर्फ कुछ महीने दिए उससे उनका निकल गया, मुझे ये प्रैक्टिकल उतना नहीं लगता है। हमें अगर कोई पूरा फुल टाइम तैयारी कर रहा है तो 10-12 घंटे ऑन एन एवरेज देने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और अगर कोई अलॉन्ग विद जॉब कर रहा है तो फिर ऑन अ डेली बेसिस 4-4 घंटा वीकडेज में, और वीकेंड में जब वो फ्री रहते हैं तो एटलीस्ट 8 घंटा, तो इस तरह सा देना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि अपने शेड्यूल और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है पूरा। स्लीप भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म रिटेंशन इन द मेमोरी ये काफ़ी मदद करता है। तो अराउंड 6-7 घंटे के आसपास की नींद ये ऑप्टिमम होती है। मैं ना तो ये बोलूँगा कि कोचिंग बिल्कुल नेसेसरी है, डेफिनेटली नेसेसरी नहीं है, बिना कोचिंग के भी कई लोगों ने निकाला है और कई लोग निकालते हैं। इनफैक्ट मेरा भी कोचिंग, हालांकि मैंने की थी शुरुआती वर्षों में, बट बाद में कोचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो मैंने घर पे बैठ के ही तैयारी की थी और मेरा उसके बाद में निकला था। और ना ही मैं ये बोलूँगा कि कोचिंग पूरी तरह से निरर्थक है, ऐसा भी नहीं है। कोचिंग के कुछ फ़ायदे होते हैं, 2-3 फायदे ये हैं कि एक डायरेक्शन मिल जाता है, डायरेक्शन मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, एक रास्ता मिल जाता है, पहला। दूसरा एक फ़ायदा कोचिंग से ये होता है कि आपको डिसिप्लिन्ड तरह से वो शेड्यूल में पढ़ाई आपके डाल देते हैं, क्योंकि कोचिंग होगी तो हर दिन का 3-3 घंटा तो आप कोचिंग में जा ही रहे हैं। उसके अलावा मान लीजिए उनके कुछ असाइनमेंट होंगे, बीच बीच में टेस्ट होंगे, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और तीसरा चीज़ है, एक पीयर ग्रुप आपका बन जाता है, मान लीजिए 3-4-5 लोग आपके दोस्तों में हो जाएंगे जिनसे आप छोटे मोटे सवाल, डाउट्स, ये सब क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर ये तीन चीज़ें आप बिना कोचिंग के इंश्योर कर सकते हैं तो फिर कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तीन चीज़ें क्या है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो पीयर ग्रुप, एक डिसिप्लिन और एक बेसिक
ओरिएंटेशन या बेसिक स्ट्रेटजी और डायरेक्शन। बाकी एक चौथी चीज़ और, कोचिंग कई बार थोड़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई इशू नहीं है तो फिर कोचिंग की, अगेन ये चौथा बिंदु है, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेन चीज़ अंडरलाइंग ये तो है ही कि आपको आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा। मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट होता है, ना ही अपने को पूरी तरह से डीमोटिवेटेड होना है कि भाई हो ही नहीं सकता है, अपने को पूरे अच्छे से प्रयास करने हैं, कम से कम दो बार तो प्रयास करने हैं, क्योंकि पहले प्रयास में हो सकता है हम पूरा ये यूपीएससी का क्या सिस्टम है या किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये ना जान पाएँ, तो दूसरा अटैम्प्ट बहुत अच्छे तैयारी से तो देना होता है। बट माइंड में फिर दूसरे एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है कि नहीं मुझे चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, मुझे तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विस निकालना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई मैंने केसेस देखे हैं, हज़ारों लाखों केसेस होंगे, जहां पे जो नवयुवक नौजवान लोग हैं अपने देश में, वो पूरी अपनी 20s का पूरा एज बर्बाद कर देते हैं सिर्फ इस सोच में कि मुझे देना है देना है, और लगे रहते हैं, तो ओवरऑल एक प्रोडक्टिव एज जो होती है वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो 2 या 3 अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे तरह से अपन प्रयास करके दें, अगर उसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मेरी नज़र में 3 अटेम्प्ट के बाद में यूपीएससी का जो तैयारी है या कुछ और है ये छोड़ देना चाहिए, और जो दूसरे डायरेक्शंस हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तीन ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS, तो तीनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। और IAS का क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ओवरऑल कई विभाग उनके अंडर आते हैं, कई विभागों का उनको काम देखना होता है, तो वो अलग चैलेंज है। उसके अलावा IPS में लॉ एंड ऑर्डर पूरा देखना होता है, और IFS में इशू मेन ये आ जाता है कि हमारी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। अब इसमें हम जानवरों और फॉरेस्ट्स को देख रेख कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए पूरे लगे रहते हैं, और वो वोट नहीं देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वन विभाग जो स्थानीय समुदाय होता है उनका, मान लीजिए उनमें से कुछ ग्रीडी कंपोनेंट्स या ग्रीडी पर्संस हो सकते हैं जिनको लकड़ी या वन्य प्राणियों का या ज़मीन का वन भूमि का लालच हो, तो उस समय वन विभाग एक एंटेगोनिस्टिक पोजीशन में आ जाता है लोकल कम्युनिटी के, तो वो वाला सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वन विभाग के लिए या फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए, तो हमें उस समय कैसे बैलेंस बैठाएं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी क्रिटिकल रहता है और ट्रिकी रहता है। ऐसे ही एक दूसरा जो एक ट्रिकी सिचुएशन बनती है कि डेवलपमेंट वर्सेस फॉरेस्ट या वर्सेस एनवायरनमेंट का कभी कुछ इशू बन रहा होता है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट करें, कैसे इंश्योर करें कि एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा हार्म ना हो बट देश के विकास में भी फॉरेस्ट या वन्य प्राणी संरक्षण ये हर्डल बड़ा ना बने। तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट सर्विस को भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बनाती हैं, तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, हर सर्विस का एक अलग अलग डिफ़िकल्टी है। वीकेंड्स के दिनों में कभी कभी 2 घंटे निकाल के मैं कुछ बच्चों को पढ़ाने का, गाइड करने का काम करता हूँ, और बस क्योंकि अभी कई बार समय नहीं मिल पाता है तो इसलिए मुझे वो क्लासेस कैंसिल करनी होती हैं। और मेरी मेन मंशा ये है कि क्योंकि हमने कई साल लगा लगा के यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस क्लियर करके आए हैं, तो वो वाली नॉलेज पूरा व्यर्थ ना जाए, और जितना हम बेनिफिट पहुंचा सकें, जितना लाभ पहुंचा सकें नए एस्पिरेंट्स को, तो ये मंशा रहती है। लगभग सभी अलग अलग तरह के लोग आते हैं, जो अभी कॉलेज में हैं वो भी आते हैं, जिनको पहला अटेम्प्ट देना है वो भी आते हैं, जिनको 2 साल बाद में देना है वो भी आते हैं, जो 4th-5th अटेम्प्ट में फंसे हुए हैं वो भी आते हैं, और ख़ास करके जिनका प्रिलिम्स अटक जाता है वो आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली बोला जाए तो मेरा प्रिलिम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी कई लोग आते हैं।